जब हम छोटे छोटे होते थे 1975 के आसपास या 80s में, तो बगैर बिजली के वही उस वक्त क्या होता था, लैंप चला के घरों में, अब इमरजेंसी सोलर लाइट्स वगैरह, अब तो यहाँ पर बिजली की तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही थिरोड करके जगह है, वहाँ पर 4 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट बनाया गया, 4 में से शायद 2 ही मेगावाट काम करते हैं, बाकी 2 तो काम ही नहीं करते हैं। 2 मेगावाट बिजली से पूरा जिला को लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट मतलब फीड हो जाता है। तो अभी अभी क्या है कि टांग के बाद फिर इधर से मनाली से तो यहाँ पे हुआ क्या है कि अटल टनल बनने में लगभग 10 साल लग गए, ठीक है। मतलब जब से काम स्टार्ट हुआ तो 2010 में काम स्टार्ट हुआ, तो जाके 2021 में कम्प्लीट। कई किस्म के वो होते हैं ना टूरिस्ट, जैसे कि किसी को लाइव स्नोफॉल देखना है, किसी को स्नोफॉल देखना है, किसी को ग्रीनरी का आनंद लेना है, वो अलग अलग चीज। यहाँ का ना टाइम वो क्लाइमेटिकल सिचुएशन बहुत अजीब जैसा है, मोस्टली लोग स्नोफॉल देखना चाहते हैं। अब स्नोफॉल देखना चाहते हैं तो उस दौरान कंडीशन बहुत हार्श रहती है, ठंड इतनी ज्यादा हो जाती है कि आम आदमी सर्वाइव नहीं कर पाता। हमें तो हम तो यूज टू हैं, हमारा क्या है कि हम घर में तंदूर वगैरह जला के रूम टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। अब हर टूरिस्ट को हर रूम में, चलो होम स्टे में तो ये पॉसिबल भी है, 4 ही तो रूम देने 3 रूम देने आपने, 3 रूम में तंदूर का व्यवस्था हो सकता है, लेकिन होटल बड़े मतलब जहाँ पर भी बाई कमरे रहेंगे वहाँ पे तो तंदूर की व्यवस्था नहीं हो सकती। यहाँ पर ना लोगों का अपनी अपनी इच्छा होती है, जो टूरिस्ट है कुछ लोग लाइव स्नोफॉल देखना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है कि अक्टूबर नवंबर है तो फ्रेश स्नोफॉल पाउडर स्नो तब आता हल्का सा पानी वाला है ना अक्टूबर नवंबर में। तो दिसंबर में आएगा टोटल, दिसंबर जनवरी में आपका टोटल पाउडर स्नो, बिल्कुल सूखा बर्फ, तो वो टाइम रहता है बहुत ठंड का, फ्रीजिंग कोल्ड माने -25 तक चला जाता है उसका टेम्परेचर। तो दिसंबर जनवरी हो गया, फरवरी में फिर हल्का सा फिर पानी वाला आ जाएगा, भारी बर्फबारी फरवरी मार्च में, लाइट फ्लैग। तो ये तो हो गए बर्फबारी का, जो लाइव स्नोफॉल देखना चाहते हैं या उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं बर्फ को। और कुछ लोग स्प्रिंग टाइम को एंजॉय करना चाहते हैं, वो है आजकल, जैसे मई जून हल्की ग्रीनरी वगैरह। और सितंबर महीने में यहाँ के ना कलर चेंज होते, बिल्कुल ऑरेंज कलर आ जाता है पत्तों में, पेड़ के पत्तों में, जैसे आपका पतझड़ का सीजन, स्प्रिंग सीजन में बारिश बहुत कम होती है। आपको इधर यहाँ के बरसात का उतना टेंशन नहीं है, मनाली कुल्लू तक बरसात ठीक रहती है ना, रोहतांग की इस बार बरसात बहुत कम होती है। जैसे आप जुलाई में भी इधर ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन बीच में रास्ते में दिक्कत हो सकती है, वो अलग बात। जैसे रोहतांग बंद हो जाता था, आना जाना बंद टोटल, मतलब मनाली से कट ऑफ हो गए जी, तो क्या रहता था कि स्टेट गवर्नमेंट हमारे को हेलीकॉप्टर सर्विस देती थी एमरजेंसी के लिए, कोई पेशेंट हो गया, कोई एग्जामिनेशन वाले बच्चे हो गए, उनके लिए मतलब मंथ में 1 महीने में 1 बार या 2 बार हेलीकॉप्टर सर्विस भेजते थे। जैसे यहाँ पर हेलीपैड है, जो अभी पार्किंग बनाया हुआ है वो हेलीपैड है एक्चुअल में, तो फ्रिक्वेंटली यहाँ पर हर महीने सर्विस होती थी हेलीकॉप्टर की, तो वो यहाँ से आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ले जाते थे, मतलब लिफ्ट करते थे, एयरलिफ्ट करते थे एमरजेंसी में। उससे पहले क्या होता था, उससे पहले जब हेलीकॉप्टर सर्विस नहीं होता था तब क्या होता था कि फिर तब आप ये कहें कि राम भरोसे, यहाँ पर छोटी छोटी पीएससी क्या है, सब सेंटर, हेल्थ सब सेंटर होती थी, थोड़ी बहुत दवाइयाँ होनी, दिसंबर जनवरी फरवरी टोटल पैक, टूरिज्म तो सेकेंडरी ही रहेगा। जो टूरिज्म का जो आपका इनकम का ऑप्शन है ना वो सेकेंडरी ही रहेगा यहाँ पर, जो पहला वाला ऑप्शन है वो खेती ही है। यहाँ पे सिर्फ सिसु या कुछ एक स्टेशन है जहाँ पे आपको टूरिज्म थोड़ा फलता फूलता नजर आएगा। हमारा डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, पूरे हिमाचल में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। ये जो जैसे ही रोहतांग टनल के बाद हमारा पहला स्टेशन सिसु आ गया, ऑब्वियसली यहाँ पर लोग, यहाँ पर भी क्या है कि वो खाली घूमने आ रहे हैं, स्टे के लिए बहुत कम आते हैं यहाँ पे।
मनाली में वो स्टे कर रहे हैं बाइक लेके या कार टैक्सी से, शिशु घूम घाम के शाम को मनाली स्टे करते हैं। कुछ एक टूरिस्ट जो है ना, वो जो वाकई में रूरल टूरिज्म को देखना चाहते हैं वो आके स्टे करते हैं, या फिर जो आपका लेह जाने वाले हैं ना वो स्टे करते हैं यहाँ से जाके ज्यादा आगे आपको जिस्पा, दार्चा जिस्पा करके रसावा है वहाँ पर स्टे करते हैं मैक्सिमम। अच्छा, दूसरा हमारा बेली पड़ा इधर से तांदी से आगे को उदयपुर करके ना, ये काफी लंबा उदयपुर, वो वहाँ पर रिलीजियस टूरिज्म है। वो रिलीजियस टूरिज्म में भी फिर खाली हिमाचली ही जाते हैं मैक्सिमम, बाहर के लोग बहुत कम। हमारी पॉपुलेशन सिर्फ 32,000 है इस जिले की। पर्यावरण से, एनवायरनमेंट से आपकी वार्ता करें, इसको एज इट इज, एज इट वॉज, जैसे था वैसे रहे तो बहुत अच्छा, आपके लिए हमारे लिए भी।